हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। ये बच्चों पार्ट नंबर 18 है, हमारा चैप्टर है क्लास 10 का रियल नंबर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, ये अलग ढंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसी क्वेश्चन को, हो सकता है इतने सिंपल में वे में भी पूछ ले। लिखा है एमेसन हैज़ टू फिट ए बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल्स टाइल्स। ठीक है ना, द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 फिट बाई 8 फिट, वॉट वुड बी मैक्सिमम साइज इन इंचेज ऑफ द रिक्वायर्ड टाइल। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों कोई एक शेप ऐसा देख लो आप जिस पे हमें टाइल्स लगानी है, बाथरूम का जो नीचे का एरिया उस पे हमें टाइल्स लगानी है, और उसका शेप कैसा है 10 फिट बाई 8 फिट। ये बच्चों 10 फीट है और ये 8 फीट है। तो इसमें कह रहा है कि हमें बड़ी से बड़ी साइज की टाइल लगवानी है, तो कितनी साइज की टाइल बनेगी, स्क्वायर शेप में लगेगी, साथ ही साथ उस टाइल की जो नाप देनी है किसमें देनी बच्चों, इंच में देनी है। तो खैर वो हम बाद में देख लेंगे इंच में कैसे तब्दील करेंगे, पहले हम क्या करेंगे उसका आंसर फिट में ही निकाल दें। बच्चों मीटर में भी हो सकता था और किसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो पहला हमें कीवर्ड ढूंढना होगा, कैसा कीवर्ड चाहिए, मैक्सिमम साइज़ की बच्चों टाइल बिछानी है। तो पहले सोचो, अगर इसके बारे में सोचो, ये 10 मीटर है या 10 फीट है और ये 8 फीट है, तो क्या हम 10 फीट या 8 फीट से बड़ी टाइल इसके अंदर बिछा सकते हैं? नहीं, जो भी टाइल होगी मिनिमम कम से कम 10 फीट से छोटी तो बैठनी है कि नहीं बैठनी है, या 8 फीट से भी छोटी भी बैठ सकती है। तो हमें जो नंबर है 10 और 8, उनसे छोटा आंसर तो लाना है, इतनी बात तो हमने पक्की कर ली है, यानी नंबर से छोटा आंसर लाना है तो HCF होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैक्सिमम कीवर्ड भी दिया है तो वो भी क्या कहता है कि HCF ही निकालो। तो बच्चों हमने क्या किया, 10 और जो 8 है इसका LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे सॉरी। ठीक है, तो 10 8 का HCF कितना आता बच्चों, 2 आता है। ये आप HCF निकाल लोगे, हमें इसमें कुछ नया नहीं कराना है, आप पिछले वीडियो को जरूर देखो। और बच्चों इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम अगला वीडियो लाएंगे, फिर दिखाएंगे रेसिप्रोकल कीवर्ड कैसे होते हैं, उसमें यहाँ पे कीवर्ड तो कुछ और दिया जाएगा, उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, वो कुछ और ढंग से होगा, बट ये दोनों सिमिलर आपको लगते हैं, आप LCM HCF में कुछ डिफरेंस देखोगे कैसे क्या करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बस ऐसे ही होगा। तो 10 8 का HCF कितना आ गया, 2। तो हमें बच्चों आंसर मिल गया 2 फिट की एक स्क्वायर टाइल हमें लगा देनी होगी, 2 फिट की स्क्वायर टाइल लगा देनी होगी। लेकिन उसने कहा है कि बच्चों इसको आंसर किस में दो, इंच में दो। तो आप एक चीज नोट कर लो कि 1 इंच जो होता है बच्चों और जो फिट में रिलेशन होता है, तो आप 1 फिट के बारे में सोचो कि फिट को इंच में बदलना है, ये 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें दिया जो है वो 2 फिट है ना, तो 2 फिट कितना हो गया, 12 × 2 = 24 इंच। तो जो स्क्वायर टाइल की लेंथ आ गई बच्चों, स्क्वायर टाइल कितनी लंबी चौड़ी होगी, उसका साइज आ गया 24 इंच। तो आंसर में बच्चों कितना लिख देंगे, 24 इंच बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, सभी तक पहुँचाइए बात को। ठीक है, जो भी डाउट हो बच्चों हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम आपको PDF भी दे सकें इसी क्वेश्चन की। ठीक है, थैंक यू, आगे मिलते हैं।